आप कोई आप पत्रकार हैं, हर जगह घूमते हैं, दिल पे हाथ रख के बोलिए, कौन सा वर्ग इनसे खुश है? किसने हड़ताल नहीं किया? 80 ईवीएम जला दी गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ मुकदमा दायर हो चुका है, उसका फुसका पर्दाफाश ना हो जाए इसलिए इतनी ईवीएम जला दी गई। रेल का चक्का जाम करेंगे, सड़क का चक्का जाम करेंगे हम। जो दिल्ली वाली कुर्सी पर वो बैठे हैं उसका सिंहासन हम उल्टा कर देंगे। कि कोई रोटी बेलता है, कोई रोटी सेकता है, एक और है जो न रोटी बेलता है न रोटी सेकता है बल्कि रोटियों से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? इस प्रश्न पर मेरे देश की संसद भी मौन है। मौका देखिए ये संविधान छोड़िए, नाक में सरकार की नकेल कीजिए, उसको जहन्नुम में ढकेल दीजिए, फूट का भड़ा घड़ा है फोड़ दीजिए, ओपीएस विरोधी मुंह तोड़ दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राजनीति और मैं हूं राजन सिंह। आज बहुत सारे हमारे साथ मजदूर भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करने आए हैं, अपनी मांगों को लेके यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दादा, क्या विरोध प्रदर्शन है आपका? विरोध प्रदर्शन है भाई, आज हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन काट कर कि या तो ये हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करें या नई पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है तो वर्तमान समय के सांसद और विधायक के लिए भी न्यू पेंशन स्कीम ही लागू की जाए। अपना हक लेकर आएंगे। अगर ये आपकी जो मांगे हैं नहीं पूरी करेंगे तो इसके यदि मांगे हमारी नहीं पूरी हुई तो जैसे अन्य संगठन, किसान संगठन, महिला खिलाड़ियों का संगठन, ड्राइवरों का संगठन हड़ताल पे उतारू हुआ और अपनी संगठन को मनवाने में कामयाब हुआ, मेरे सामने भी मजबूरी है कि मैं अपने हित को देखते हुए कुछ भी करने को पड़ा, कुछ भी करना पड़ेगा, यहाँ तक कि हड़ताल करना पड़ेगा, हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल है क्या? नहीं, कर्मी कंसन है ये। हम लोग लगातार 8 से 5, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक अनशन पर बैठते हैं और भारत सरकार को आगाह करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन लागू करें। 1947 से आज तक बहुत आपदाएं आई। 1962-63 में एक बार ऐसी भूखमरी आई थी कि हिंदुस्तान के आदमी भूखों मर रहे थे। उस समय विदेश से ये लाल वाली जिसको आज मक्का कहा जाता है, महंगी है, उस समय इसको कोई नहीं पूछता था तो यही मक्का बाहर से मंगाया जाता था। हम उस समय पैदा हो गए थे, इसी का चावल खाया जाता था, इसी की रोटी खाई जाती थी क्योंकि पेट भरने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता था। लेकिन कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की किस्त उस समय भी भारत सरकार ने नहीं बंद किया, लेकिन ये तानाशाह सरकार कोरोना की आड़ में आज केंद्रीय कर्मचारियों के और राज्य कर्मचारियों की 3 किस्तें महंगाई भत्ते की पहले सीज किया और कहीं पेंशन स्टार्ट किया है आप लोगों क्यों नहीं? जहां पे पेंशन स्टार्ट किया वहां पे हुई है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार नहीं है वहाँ पे पेंशन लागू है, वहाँ पे पुरानी पेंशन चल रही है, वहाँ लागू है। और जहाँ पे लागू बहाल की गई जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये आप लोग समझ सकते हैं ना भाई, सरकार तो आप ही लोग, मतलब आप लोग अपने मन से बनाते हैं, तो ये सरकार क्या ये कमी है इन सरकारों में की नहीं बना रही भाई? ये सरकार मजदूर विरोधी है, बिल्कुल तय है ये। तो सरकार भाई बात करती है कि चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, आप कह रहे हैं मजदूर विरोधी है, कैसे? ये चप्पल पहनने वाले को बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे? अभी सुबह हम यही बात कर रहे थे, वो एक उमेश चंद पांडे वो एडवोकेट हैं जिन्होंने भगवान राम का ताला खुलवाने का मुकदमा दायर किया था, SDM के यहाँ से हार गए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ वो चुनाव जीत करके ताला खुलवाए। आज इस कार्यक्रम में उनको नहीं इन्वाइट किया गया। सोनिया गांधी और खड़गे को, अखिलेश सिंह को इन्वाइट किया जा रहा है इसलिए कि वो आएंगे नहीं तो वो कम से कम जवाब देंगे तो प्रचार करने के लिए किया गया है। उमेश चंद पांडे से क्या दुश्मनी है? उमेश चंद पांडे को नहीं इन्वाइट किया गया इसलिए कि उनका त्याग है, वो वहाँ लोग पूछेंगे, उनका लोग उनका नाम ले सकते हैं। भैया, पिछले दलित और जो गरीब लोग हैं सरकार कहती है हम सबसे ज्यादा उनकी हम बात करते हैं, उनकी ख्याल रखते हैं, तो कैसे मतलब आप लोग ये सोच रहे हैं? इसमें हमें कुछ कहने और बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कहाँ पर है। अगर आज हम 80 करोड़
गरीब को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं तो इस पे हमें अर्थव्यवस्था पे टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भारत सरकार कहाँ पे गर्द में चली जा रही है। आप ये बताइए ये किस तरह मंत्री और विधायकों को तो भाई पेंशन बंद नहीं कर रहे हैं, ये आम लोगों के लिए जो उत्पन्न हो रहा है इस पे तो सवाल खड़ा होता है, बिल्कुल जेन्युइन मांग है आप लोग की, तो इस पे आगे कैसे क्या लड़ाई लड़ेंगे आप? पहली बार ये भारतीय जनता पार्टी 1998 के अंदर भारत सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आई थी, उस दिन से लेकर कर्मचारियों का हनन करना, उनके भत्तों का हनन करना, इसके सिवा इनका कोई काम नहीं रहा। आप ये बताइए हम कर्मचारियों को कैजुअल लीव 12 मिला करती थी, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार हम लोगों की कैजुअल लीव 12 से 8 करने का काम किया। आप ये बताइए इतनी निकम्मी सरकार, आप ये बताइए यहाँ जितने हिंदू भाई बैठे होंगे इनके घर में अगर किसी का निधन हो जाता है तो अस्थि विसर्जन कितनी बार होता है ये आप लोग करके बताइए, ये वोट कैसे खरीदा जाए इनका 24 घंटे 2024 में फिर से आप तो जिताएंगे ना इनको? किसको जिताएंगे? मोदी सरकार। हम नहीं जिताएंगे आपको, आप पत्रकार हैं हर जगह घूमते हैं, दिल पे हाथ रख के बोलिए कौन सा वर्ग इनसे खुश है, किसने हड़ताल नहीं किया? 5 राज्यों के चुनाव में देखिए फिर से जीत लिए जी, आप ये देख लीजिए पेपर उठा के पढ़िए यूट्यूब में देखिए 80 EVM जला दी गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ मुकदमा दायर हो चुका है, उसका फुसका पर्दाफाश ना हो जाए इसलिए इतनी ईवीएम जला दी गई। और वो जो पैड होता है जिसपे हमें पर्ची दिखाई देती है उसे क्या जंतर मंतर में चल रहा है VBDMAT, वो रिपेयरिंग करने के लिए भेज दी गई, इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? भाई भी है क्या कहेंगे आप बताइए? हाँ सर आप बताइए क्या पूछना है? जो विरोध कर रहे हैं इसका परिणाम कैसे आएगा? परिणाम ये आएगा कि हम लोग एक मुश्त सरकार के खिलाफ हैं, उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन अपने कितने लोग हैं आप लोग लगभग? हम लोग 14 लाख कर्मचारी हैं, 14 लाख कर्मचारी और उनके बच्चे और बीवी सबको मिला दीजिए कितना होता है आप बताइए। चलिए ठीक है, वो सब लोग एक साथ हैं, सड़कों पे उतरेंगे, सड़कों पे क्या यही पूरा जाम लगाएंगे और यही रेल का चक्का जाम करेंगे, सड़क का चक्का जाम करेंगे हम, ये भारतीय रेल है, भारतीय रेल जिस दिन ठप हो गई अच्छे अच्छे गुटों पे आ जाएंगे। अगर ये NPS को लागू नहीं करते, OPS लागू नहीं करते तो हम रेल का चक्का जाम करेंगे और मोदी सरकार को बता देंगे कि आने वाले 24 के चुनाव में उसका तख्ता पलट, जो दिल्ली वाली कुर्सी पर बैठे हैं उसका सिंहासन हम उल्टा कर देंगे, ये आप ऐलान कर देना उनको बता देना, वो सोए बहरे हैं। पुतला जला था किसका? जला था ये NPS के विरोध में जला था, हमें OPS चाहिए उसके पक्ष में जला था, हमें OPS चाहिए, हम कर्मचारी वर्ग परेशान है, हम किसान वर्ग, ये सरकार दलित विरोधी, किसान विरोधी, कर्मचारी विरोधी, हर वर्ग के लिए ये खपा है और हमें इस मोदी सरकार का तख्ता पलट करना है, इसको आप दिल्ली तक पहुंचा देना नहीं तो आने वाले चुनाव में हम इसको सबक दिखा देंगे। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ सर, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि नेताओं के बारे में किसी ने धूमिल ने बड़ा क्या खूब लिखा है कि कोई रोटी बेलता है कोई रोटी सेकता है, एक और है जो न रोटी बेलता है न रोटी सेकता है बल्कि रोटियों से खेलता है, मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? इस प्रश्न पर मेरे देश की संसद भी मौन है, इस प्रश्न पर मेरे देश की संसद भी मौन है। अब मैं आपको आंकड़ों की तरफ अगर ले जाऊं तो खुद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कांग्रेस में यह आरोप लगाया कि पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस ने जो 250 से ज्यादा घोटाले किए उसका आंकड़ा है 68 खरब 60 अरब और 69 करोड़ के आसपास। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये घोटाले करने वाले लोग OPS के हकदार हैं? अगर वो हकदार हो सकते हैं तो आखिर दिन रात अपना खून पसीना एक साथ करने वाले ये कर्मचारी जिनके घरों ये 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है जो NPS के अंदर आते हैं, वो कर्मचारी आखिर हकदार क्यों नहीं है? और
इनकलाब। हमारे साथ रेलवे कर्मचारी और क्या, और आपके पास कम समय है, इसलिए मैं एक जो मैं अपनी बोल सरकार के सामने रखना चाहता हूँ कि मौका देखिए, ये संविधान छोड़िए, मौका देखिए, ये संविधान छोड़िए, नाक में सरकार की नकेल कीजिए, उसको जहन्नुम में ढकेल दीजिए, फूट का भड़ा घड़ा है फोड़ दीजिए, ओपीएस विरोधी मुंह तोड़ दीजिए, ओपीएस विरोधी मुंह तोड़ दीजिए, आवाज दो। हमारे साथ जो है रेलवे कर्मचारी हैं, अपने मांगों को लेकर यहाँ, ये रेलवे एक कॉलोनी है जो कि वहां पर ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, आने वाले समय में सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो रेलवे के चक्का तक जाम करेंगे। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है और ऐसे में लाखों के तादाद में ये कर्मचारी जब सड़कों पे उतर के रेल के चक्का अगर जाम करेंगे तो उस समय की स्थिति बहुत गंभीर मानी जाएगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या इनकी बातें मानती है या नहीं मानती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल के साथ राजन सिंह, द राजनीति के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।